ईद पे इसको 3 साल हो जाएंगे, ईद साल आपने नहाना नहीं है, फ्रेश हो जाए तब भी सेट हो जाएगी। गाँव में एड़ियों में मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आज मैंने ना अपना जी। चलो आ जाओ शानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपसे कितने दिनों बाद बात कर रही हूँ, और क्योंकि माह रमजान से पहले मैंने ही व्लॉग स्टार्ट किया था, और व्लॉग मैंने की बनाया था, उसके बाद मैंने नहीं बनाया क्योंकि घर में मसरूफ इतनी थी बच्चों के साथ, और माह रमजान में तो फिर बंदा ऐसे ही मसरूफ रहता है, तो मैंने व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाए। तो मैं आज व्लॉग्स बना रही हूँ काफी दिनों के बाद। तो आज रोजा है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, और रोजे की मुबारक भी मैंने नहीं दी आपको। आप सबको माह रमजान बहुत बहुत मुबारक हो, और इन इस नेक महीने में हमें अपनी दुआओं में याद कीजिएगा, और हम भी आपके लिए बहुत दुआएं करेंगे। तो और मैं आज करी थी बहुत सारे काम, एक तो रोजा है और ऊपर से बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं स्कूल से, और मेरे घर में आज इतना बिखेरा बिखरा हुआ है ना, तो क्या बताऊं। और मैं सुबह से समेटने लगी हूँ, तो अभी काम मेरा खत्म नहीं हुआ, तो आज की वीडियो ना आज जबरदस्त होने वाली है, ठीक है ना। सारी वीडियो मसरूफ होने वाली है, ऐसी मसरूफ होने वाली है ना कि मुझे देखेंगे पता ही चलेगा कि घर में इसके कितना खिलारा खिला होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर में आज क्या रूटीन हो रही है, तो मेरी रूटीन देखेंगे आपको मजीद पता चल जाएगा कि मैं कितनी मसरूफ हूँ। यहाँ देखे शाह नहीं रो रही थी, क्या है ईशान? चावलों के लिए ना ये रो रहे थे। मीठे चावल खा रही हो? मीठे चावल। अच्छा, तो मैंने इसलिए भी कुछ व्लॉग नहीं बनाए थे क्योंकि ईशान बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, इसे ना वो बुखार हो गया था, और तो देखना ईशान ये 1 वीक भी हो गई है, मेरी मोटो का मुंह ही नजर आ रहा है, नजर आ रहा है मुंह, नजर आ रहा है ईशो का? ईशो हाय कर दो। कैसे हो? ठीक हो? पूछे देखो रोजे रख रहे हो? ईशान रोजा रखा है? ईशान ने ईशान ने कितने रोजे रखे हैं? 5। वाह भाई वाह, इधर देखना एनिश ने माशाल्लाह 5 रोजे रखे हैं, और एनिश बिना बीमार हो गई थी, इसे हैजा हो गया था, और उसके बाद इसकी अब जाकर तबीयत सही हुई है। तो मैं परसों में गई थी, नहाने जा रही हूँ परसों जी, हम गए थे एनिश की दवाई लेने, एनिश की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। A few moments later. क्या मसला होता है? मसले मेरे लिए मसले हैं सारे, मेरा काम देखे कितना बिखरा पड़ा है, देखे लंडा बिखरा पड़ा है ये ना। मैंने माह रमजान से पहले ही मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, मशीन लगाई थी, घर की साफ सफाई की थी, उसके बाद रोजे रखते रहे, और आज फिर मैंने हिम्मत करके ना मैंने कहा चलो आज कपड़े ही धो लूं, तो ये नयाब नहा लिया नयाब ने। ये क्या कर रही है? चावल गर्म कर रही है। अच्छा मैं ये कपड़े तो धो लूं, कपड़े तो धो लूं, मैंने ऊपर भी कपड़े डाले हुए हैं, ये भी घर भी बिखरा हुआ है, सारा के सारा मेरा सारा काम आज यहीं पे पड़ा है। सुबह सुबह कर लेती हूँ, आज सुबह लाइट नहीं थी तो इसलिए मेरा काम रह गया। तो यहाँ नवीद साहब जो है वो सोए पड़े हैं, और ये लैपटॉप पे मस्त है। दूध ले आये जैन है? सुबह से दूध कहने लगी हूँ, इतना टाइम हो गया, क्या टाइम है अब? देखा है एक तो बज गया होगा ना, हाँ 1:15 हो गया, दूध अब आया, अब गैस भी नहीं होगा। ये मेरे बर्तन, मुझे मेरे बच्चों को इतना पता है कि मेरी मम्मा मसरूफ है काम में, फिर भी ये सारे बर्तन ना ये देखें, जगह जगह पर बर्तन पड़े होंगे, वो देखें। ये माँ करेगी ना, माँ अंदर आएगी वो करेगी, ये सब कुछ मैं सेटिंग करके गई थी जो सारा कुछ बिखर गया है। ये नवीद साहब जो है ये इन्हें रोकते ही नहीं है, वो खुद भी मस्त पड़े थे लैपटॉप में, वो जो अभी बच्चों को दे दिया है, भाई पता चले मेरी बेगम अंदर आए उसे मैं बताऊं कि मैं तो सोया पड़ा था, मुझे तो पता ही नहीं है, है ना? ऐसे है ना। तो आज इफ्तारी के लिए क्या ले आएंगे? इफ्तारी के लिए क्या बनाया आज? इफ्तारी में आज बनाएंगे जो कुछ बनाएंगे आज, आज हम शेयर करेंगे आपसे क्योंकि इतने दिन नहीं किया। एनिश को ना रोजा था, उस दौरान ना ये बीमार हो गई थी, इसे ना उल्टियां लग गई थी, और उस दिन से ना अब ये पकोड़े नहीं खाना चाहती क्योंकि उसकी उससे ही इसकी तबीयत खराब हुई थी, है ना, उससे हुई थी ना, तो वो ना दिल भर गया था इसका। अब ये कहती है पकोड़े ना बनाओ और जो कुछ बनाओ, तो हम बनाएंगे फिर भी पकोड़े। क्यों? हम तो फिर भी पकोड़े बनाएंगे। चलो एनिश नहीं खाएगी ना, हम तो खाएंगे ना, हम आपके लिए कुछ और बना देंगे, 1-2 बना देंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे कुछ। शाल मेरी मोटो क्या खा रही है? मेरी मोटो कमजोर हो गई है, देखा है कितनी बीमार हो गई थी मेरी बेटी, किसी ने पूछा ही नहीं है, किसी ने पूछा ही नहीं था ईशो, किसी ने पूछा ही नहीं था, उन्हें ऐसे कर दो, मैं नाराज हूँ, बुरी बात कर दो,
बुरी बात कर दो। पूछा ही नहीं था मेरी बेटी को, मेरी बेटी को किसी ने पूछा ही नहीं है, वो कह रही है बुरी बात, पूछा ही नहीं है। असल में ना हमने बताया ही नहीं था कि शाल बीमार है, तो हमारे जो भी यूट्यूब फैमिली है हमारी, हम आज ने बता रहे हैं कि हमारे घर में ये हुआ था, पैनिश भी बीमार हो गई, शाल भी बीमार हो गई, तो अब आप दुआ कीजिएगा ये बिल्कुल ठीक हो जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह शाल की तबीयत बेहतर है, ठीक है, तो दवाई भी आज मैंने इसे लेट पिलाई है क्योंकि आराम आ गए ना। ये लड़ते हैं, ये नाराज होते हैं कि दवाई टाइम पे नहीं पिलाते, तो बस मसरूफियात इतनी थी, वो मोटर भर गई होती, टैंकी भर गई। हाँ हाँ मोटर भर गई, टैंकी भर गई, एक ही बात है, अब मैं क्या करूँ। ये माँ पे हंसते हैं, ये काम चेक करो, इनके माओ पे हंसते हैं, ये क्या करी है, ट्यूब और मंगवा लो ना, अब इसमें से कुछ निकालनी है। नहीं वो जो टिकटॉक आती है ना एक हफ्ते चुगले बेलन से ना कैसे निकाल लेती है, कहती है अब इसको एक महीना दिलाओ। तो फिर वैसे करना, नीचे रख के इसे तो ना वो उठा ले, कुछ क्या है उसे मोली उठा ले, उसके साथ उसको रगड़ निकल आएगी है। वही काम कर, काम चेक करो इनके। वो औरत कहती है कि इसको अब एक महीने में चलाओ। अच्छा चलो मैं कपड़े, ईशान मदद करवा रही है कपड़े धोने में, करवा रही है, काम खराब करती है मेरा। ईशान अपना तो रख दो, इसको रख दो, रख दो। अचानक से ना, अचानक से मौसम चेंज हो गया है और अचानक से गर्मी बढ़ गई। आज मैं ऊपर कपड़े डालने गई हूँ, लगा है कि गर्मी आ गई है, और मेरे बच्चों के कुछ कपड़े जो गर्म है ना वो रह गए हैं रखने वाले, तो मेरे सब कपड़े ना निकाल निकाल के ना उसे मैंने बांध के रख दिए हैं, तो जैसे ही पेटी वगैरह खोलेंगे रदाई रखने के लिए, फिर मैं कपड़े सारे समेट लेंगे, जो मेरे घर में इसीलिए शब्द रखना पड़ा है, कि मैंने ना कंबल वगैरह डालने का दिल करता है, तो मैंने सोचा कि मैं आज कपड़े धो लेती हूँ, फिर मैं कल या परसों फिर कंबल धोऊंगी, क्योंकि एक ही दिन में इतना सारा काम नहीं होता है। कौन कौन से कपड़े धो लिया, अब गंदा होया खड़ा पानी, एंड है ना, अब थोड़े से कपड़े रह गए बस। शाल मैंने कहा था नहीं मेरा काम खराब करती है, जरा देखना इसको नीचे रख के धो दिया, मिट्टी लगा लिया है, धुला हुआ है ना, धुला हुआ दे दो शाल, मुझे दे दो मामा की जान, चलो फातिमा। A few minutes later, मैंने सारे वॉश कर लिए हैं, धो लिए हैं, और अब मेरे कपड़े कुछ खुश्क भी हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो साथ ही साथ लपेट लूं, क्योंकि फिर सारे जमा हो जाते हैं, फिर मसला बनता है, फिर लपेटने का दिल नहीं करता, तो इस तरह से मैंने और बर्तन भी धो लिए हैं। उसके बाद जो इतना सारा ढेर लगा हुआ था बर्तनों का, कपड़े धोने के बाद मैंने झाड़ू दिया घर का, जो फर्श वगैरह साफ किया है, पोछी लगाई है, किचन साफ किया है, और आपने पहले देखा था मेरा सारा घर ही बिखरा पड़ा था, और अब देखिए मैंने इतनी जल्दी जल्दी में सारा कुछ कर लिया, क्योंकि फिर अफ्तारी का टाइम होगा, तो फिर हमने खाना वगैरह भी बनाना है कुछ, और काम भी हमारे दूर से पड़े हैं, तो मैंने यही सोचा कि जो कपड़े यहाँ ऊपर से नीचे फेंके गए हैं, तो ऊपर डाले थे जो खुश्क हो गए ऊपर, तो हमने चार पे गिरा दिए, तो फिर मैं उसे लपेट रही हूँ ताकि इस पे दाग वगैरह ना लग जाए, क्योंकि फिर मैंने हो जाना किचन में मसरूफ, और फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कपड़ों की तरफ, कपड़ों की तरफ फिर हम कल आएंगे, कल और कपड़े लपेटूंगी। तो अच्छा फिर आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, मैंने सारे घर का काम कर लिया है, अब फ्री हुई हूँ, अब बैठी हूँ, अभी तक मैंने मुंह नहीं धोया, और क्योंकि अब नमाज का टाइम होगा, तो मैंने कहा पहले मैं फ्रेश हो जाऊं और फिर मैं नमाज पढ़ूंगी, मुंह ही धोंगी साबुन से, और मैं आपको बता रही थी कि मेरा ना एक सूट दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने 3 साल पहले बनाया, इस ईद पे इसको 3 साल हो जाएंगे, नवीद साहब 3 साल एक सूट को। अच्छा मेरे कपड़े ना जल्दी से खराब नहीं होते, क्योंकि मैं अपने कपड़ों की केयर बहुत करती हूँ, तो ये मैंने हाथ का बनाया था, इस पे मैंने गोटा किनारी लगाया था, और ये बहुत ही प्यारा लगता है, हालांकि ये लोन पे बना हुआ है, और इसका कलर भी खराब नहीं हुआ कपड़े का, और वैसे के वैसे मेरा न्यू पड़ा है, मैंने पहना भी है, कहा कि मैंने नहीं पहना, मैंने पहना इसे, मैंने इस पे बनाया, बहुत दफा पहना है, लेकिन फिर मैं जब पहनती हूँ उसके बाद मैं जल्दी से उतार कर इसे अच्छे से धोकर फिर मैं इसे रख देती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे जैसे काम हुए हुए सूट में बाहर आने जाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस बार मैंने जो भी मैंने पहले कपड़े बनाए थे, इस बार मैं अब वो सारे पहन रही हूँ, रमजान में पहन रही हूँ, और मैं घर में भी पहन रही हूँ, ठीक है। और इसके साथ का मैंने ये दुपट्टा बनाया था वाइट, और वाइट ही मैंने इसका ट्राउजर बनाया था,
चिकन का, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, किसी से बनाया नहीं है। तो मैं वैसे आरी अड्डे का भी काम करती थी शादी से पहले, शादी के बाद तो मैंने अपना भी नहीं बनाया आज तक। तो जैसे कि टाइम ही नहीं मिलता, बनाने का दिल ही नहीं करता। वैसे मैंने सोचा था सर्दियों में कि कोई मैं अपना सूट अड्डे पे बनाऊं और डे टांग का जो होता है वो कढ़ाई करूं। ये देखे इन्हें उबासियां लगी हुई है, मैं इतनी थकी बैठी हूँ ना, इतने मेरे पाँव में दर्द हो रहा है रोजे के साथ। अगर रोजा किसी को हो ना मेरी तरह, और लड़की को, औरत को, तो वो चार पाई पे लेटी पड़ी हो सारा दिन, सोए मजे से सोए, लेकिन मेरा तो कभी का काम ही नहीं खत्म हो रहा। तो मैं अभी से अब जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला है, फिर नमाज पढ़कर फिर मैंने और भी किचन में काम संभालने, तो चलते हैं फिर फ्रेश होने। जी आपने कपड़े नहीं पहनने, आपने नहाना नहीं है, फ्रेश हो जाए तब भी सेट हो जाएगी, ठीक है। आज मैंने इनके कपड़े उतरवा कर मैंने इनके कपड़े वॉश कर दिए सारे के सारे। मैंने इन्हें कहा आपने ये पुराना ट्राउजर पहनो और अपनी पुरानी शर्ट पहनो और सो जाओ। ये तो आज पता है सच में आज इन्होंने मुझे एक बाल्टी भी ऊपर छत पे नहीं उठा कर दी। ये देख लें इनके काम चेक करें, बुखार, ये मुझे कह रहे हैं बुखार है, ये देखे ये मुझे शर्ट बहुत अच्छी लगती है, इन पे बहुत सूट करती है, तो मैं अक्सर इसे गर्मियों में यही शर्ट देती हूँ बार बार। नजर आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, वाह वाह कह रहे नजर आ रहा है। अच्छा तो इन्होंने मुझे आज काम बिल्कुल भी नहीं करवाया, मैं बाल्टी लेकर जाती रही, ये देखते रहे कि मेरी बीवी जा रही है, गिरे तो मेरी जान छूटे, शायद इसी इंतजार में पड़े थे। ऐसा नहीं हुआ नवी साहब, ऐसा नहीं हुआ, मैं नहीं गिरी। तो क्या बता, ऐसे सोचो आए जो नहीं, मुझे काम जो नहीं करवाया। अच्छा इतनी मुश्किल से रोजे के साथ मैं बाल्टी ऊपर लेकर गई हूँ, बहुत ज्यादा मुझे रोजा तो नहीं लगा, खैर आदि हूँ मैं ऐसे, भूख बर्दाश्त कर लेती हूँ। मैं थक बहुत गई हूँ, मेरे पाँव में एड़ियों में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आज मैंने ना अपना शूज लेने जाना है, इनसे मैंने कह दिया मुझे शूज लेकर दें, शूज वो लेकर दें जो कि बोल नरम और सॉफ्ट हो, है ना, वही लेकर देना है। तो आज हम शॉपिंग भी जाएंगे अफ्तारी के बाद, ठीक है, तो हम आपके साथ चलेंगे, आपको भी लेकर चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे बाजार में शॉपिंग। तो ठीक है मैं अब जा रही हूँ फ्रेश होने, ठीक है, उसके बाद आती हूँ। मैंने आज कुरान पाक भी नहीं पढ़ा, मैंने वो भी पढ़ना था, तो मैं मुझे टाइम होगा तो मैं जल्दी जल्दी वो भी पढ़ लूंगी, ठीक हो गया। ओके अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने नमाज अदा कर ली है और यहाँ मेरी तस्बीह हमेशा मेरे पास पड़ी रहती है, मेरी तकिया के नीचे, और मैं रात को डेली तस्बीह पढ़कर सोती हूँ, और अब भी तस्बीह पढ़ रही थी, और मैंने कहा कि मैं आपको आपसे थोड़ा सा शेयर करूँ। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश भी हो गई हूँ, नमाज भी अदा कर ली है, अब मैं पढ़ने लगी हूँ तस्बीह, और उसके बाद फिर हम और भी काम आ जाते हैं। जी क्या कपड़े? अच्छा जी नवीन साहब जो गए हैं नहाने, मैंने उन्हें कहा फ्रेश हो जाएं, थोड़ा सी तबीयत सही नहीं है, और मैंने सोचा चलो तो आप नहा लेंगे तो शायद तबीयत सेट। हाँ ये काम तो गंदा है। ओए होए आ गए ना आवारे शैतान, हमने वहाँ कमरे में घर बनाया हुआ अपना सुंदर सा, अच्छा नशर किया हुआ होगा ना कमरे का, सारा कुछ खराब किया हुआ होगा और क्या। अच्छा जी मैं यहाँ दे देने लगी उनको कपड़े, और काम देखे इसमें मैंने ना वो क्या कहते हैं ज़ारमत कहते हैं वो मैंने नहीं डाला, मैं उन्हें डाल कर देती हूँ। अच्छा तो मैं इसमें ना वो डाल लू ज़ारमत, ठीक है, नाड़ा भी कहते हैं पता नहीं क्या क्या कहते हैं उसे, मुझे नहीं पता कहाँ है, कहाँ है, ये है नींद करके, अच्छी अच्छी नींद करके अभी उठी है, बाप रे बाप। हाँ जी क्या बना रहे हो? प्याज बना रहे हो, इतने गंदे प्याज है ना, मतलब प्याज खाओगे? रुला दिए मुझे, रो क्यों? प्याज ने रुला दिया मुझे, क्यों रो रही हूँ? इतना थक गई हूँ, रो रही हूँ आज मैं, सारा दिन काम करवाते हैं मुझे ऐसे रोने नहीं देते। ये क्या है? आज मैं बना रही हूँ भी आलू चिकन, जो कि ना बच्चों को तो रोजा होता नहीं है ना, उन्होंने तो रोटी खानी होती है, तो
एनिश पकोड़े खाती नहीं है और बच्चे हमारे ज्यादा ये चीजें कम खाते हैं, मैं खाती हूँ बस ज्यादा पकोड़े, तो मैं अपने लिए बनाऊंगी और बच्चों के लिए मैं जैसे कि रूटीन में सालन गोश्त जैसे बनता है वो बनाएगी, क्योंकि सुबह रोजा रखना होता है और सुबह शोरबे वाला सालन, मतलब अभी सालन भी बनाऊंगी और पकोड़े भी, ये आलू इसलिए वो कर रही हूँ, थोड़े से बॉइल हो गए हैं तो ये पड़े थे तो मैंने पहले से बॉइल कर लिए थे, आप बाद में ले आए तो मैंने ये बाद में ही खा रहे हैं इसलिए वो। चलो जल्दी करो फिर अफ्तारी का टाइम भी हो रहा है। ठीक है ठीक है। ये नीचे क्या आलू है सारे? आलू, थोड़ा सा बेसन और रेड मिर्चे, हल्दी, सब्ज धनिया, सब्ज धनिया कहाँ, सूखे धनिया, खुश धनिया और सब्ज धनिया भी डालूंगी मैं, बस दो मिर्चे काफी नहीं है, ज्यादा स्पाइसी बन जाएंगे जिन्हें। अच्छा ये आलू और थोड़ा सा बेसन डाला है इसमें और जैसे थोड़े से मसाले वगैरह डाले, मिर्चे, मतलब हल्दी, आलू वाले पकौड़े बन रहे हैं, हल्का सा इसका कीमा करके ना ये भी डाल देते हैं, कितना मजा आता है। तो गोश्त वाले बनते हैं चिकन वाले, पकौड़े बनते हैं चिकन वाले, लेकिन अभी टाइम नहीं है ना बनाने के पास, बात ये है टाइम शॉर्ट, ये भी नसीब हो जाए तो आज बहुत बड़ी बात है, टाइम बिल्कुल भी कम है। चलो ठीक है फिर जल्दी करो ना, कढ़ाई ऊपर रखो इसके ऊपर, जल्दी करो। चलो आ जाओ शानी। बस मैं आ रही हूँ, बस मैंने कहा ये थोड़ा सा बना लूंगी, दो बनने वाले हैं, मिल रही है ना, बस हो गया टाइम, तुम बाद में बना लेना, अभी आ जाओ। ये रहता भी तैयार है, पकोड़े भी, आज पकोड़े दमदार लग रहे हैं। टैंग जल्दी, अब बस तुम्हारी देर है, इंतजार है, जल्दी आ रही हूँ, उसके बाद फिर हम लेट खाना बनाएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एनिश आप लेंगे? हाँ नहीं करते मेरे चैनल पे, नहीं करते, करते हैं, वाह भी करते होते हैं, अब बोलो तो सही। अच्छा बोलते हैं रोजा क्यों नहीं खोल रही? लाइक और सब्सक्राइब, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। हमारी जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया करें, ठीक है? मैं भी चाहती हूँ।